नमस्कार किसान साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रीति एग्रीकल्चर में स्वागत है। साथियों, आज हम आए हैं अयोध्या ज़िले के एक रेवना ग्राम में, जो कि यहाँ पे एक देसी जुगाड़ किए हुए हैं। घास निकालने वाली मशीन देसी जुगाड़ इनका है। चलो इसको हम देखते हैं किस तरह से इन्होंने मात्र 100 रुपये में इन्होंने किस तरह से देसी जुगाड़ किया है। सर से ही बात करते हैं। सर, पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है, और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने ये जो 100 रुपये का जुगाड़ किया है, ये किस तरह से किया है और क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। मैम, पहले तो आपके व्यूवर्स जो जानना चाहते हैं और आप इतनी दूर से चल के आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पे। मैम, ये जो जुगाड़ है, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। आमतौर पे जो भी हमारे किसान भाई हैं, फसलें लगाते हैं, हम देखते होंगे कि खरपतवार जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे गोभी की फसल हो गई, या नालियों जैसे नालियाँ हैं, आलू की फसल हो गई, आपकी मिर्च लगा रही हैं, शिमला मिर्च हो गई, या जो भी वेजिटेबल्स पर आप करते हैं, टमाटर हो गया, तो आमतौर पर जो नालियों में घास आती है, आप ईजिली इससे निकाल सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं होता है इसमें। बहुत ही आराम से, जैसे आप यहाँ नीचे दिखाइएगा, थोड़ा सा इस पे दिखाइएगा, यहाँ पे जैसे आपकी घास है नाली में, आपको केवल ऐसे ही ऐसे करना है और ऐसे ऐसे पूरा इसमें घास जो है पूरी निकलती जाएगी। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको, जैसे आपने बताया 100 रुपये के खर्चा, अगर आपके पास लोहा है तो आपको मात्र 100 रुपये लगाना है और आपकी ये ब्लेड तैयार हो जाती है। और इसमें आप जैसे देख पा रहे होंगे कि इसमें नुकीले दांत बने हुए हैं, इसी के माध्यम से आपका जो खरपतवार है वो निकल जाता है। और एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे रखा हुआ है, साइज के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास 3 तरीके के हैं, एक तो सबसे बड़ी साइज है, एक उसके बाद है, एक जो है ये तीसरा है। मतलब अपने साइज के हिसाब से जिस जगह पे आपको यूज करना है उस हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं, इजीली वर्क कर सकते हैं। आप देख सकती हूँ कि दांत कितना पहना है इसका, और लोहे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसे मैंने जो है जुगाड़ बनवाया है और काफ़ी अच्छा जो है सिस्टम है। और इसमें एक आप लकड़ी का ये आप लगा सकते हैं, हमने तो ऐसे ही नॉर्मल लगा दिया है इसमें बेट, आप इसे लगा के यूज कर सकते हैं। अब आप 100 रुपये में बनवा के, जैसे आप लेबर करते हैं, मजदूरी देते हैं, मान के चलिए अगर महिला कोई है आती हैं करने के लिए, 150 रुपये लेती हैं, या कोई जेंट्स पुरुष आएगा निराई करने के लिए, तब आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ आप एक बार 100 रुपये में बनवा लीजिए और ये हमेशा आपका कार्य करता रहेगा। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बचा के रखना है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और कहीं आपको जाना नहीं, आप एक लोहार है उससे आप मिल के जो है इसे बनवा सकते हैं। और कोई किसान भी अगर हमसे ख़रीदना चाहता है तो हमसे भी ऑर्डर करके मंगवा सकता है। अगर हमसे कोई ऑर्डर करके मंगवाता है इस प्रोडक्ट को, तो उसको 800 रुपये प्लस डिलीवरी पड़ेगा, डिलीवरी चार्ज, अगर हमसे कोई ख़रीदता है तो। क्या है कि जैसे अभी हमें आप बताइए कि नालियाँ कैसी होनी चाहिए, जैसे नालियाँ। मैम, जैसे आप जो भी किसान भाई वो समझते होंगे, टमाटर लगाया है उन्होंने, गोभी लगा रखा है उन्होंने बेड पे, उसके बाद में शिमला मिर्च लगा रखा है, या बैंगन लगा रखा है, उसके बीच में जो खर है, उनको नालियों की साइज पता होती है। मैम, तो उस साइज के हिसाब से ये जो ब्लेड है इसको बनवाएंगे हम, उसके बाद में आप चाहे पतली नाली हो चाहे मोटी नाली हो, और बेड पे भी कर सकते हैं, बेड के ऊपर भी अगर करना है उस पे भी इससे खरपतवार बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान साथियों, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और बहुत ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर हमारे किसान भाई जैसे मजदूरी करवा रहे हैं, किसी से मजदूर लगवा रहे हैं, तो अगर ये 100 रुपये का जुगाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका काम आसान हो जाएगा, और चाहे जब इसको कर सकते हैं।